तो भैया अब हम चल रहे हैं बस स्टैंड, वहाँ पे देखेंगे कौन सी बस है, फिर डिसाइड करूँगा कि पोखरा जाना है या काठमांडू जाना है। तो भाई सिम कार्ड तो यहाँ पे मिल गया और फ़ोटो भी खींचवाना पड़ेगा हमको क्योंकि मेरे पास फ़ोटो है नहीं। तो यहाँ भैया के स्टूडियो में आ गए हैं। दोस्तों मेरा प्लान था यहाँ पे नेपाल में आने का लगभग 3 बजे और मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे 6 बजे, तो मैं यहीं पे रूम ले लिया हूँ। और जो मैंने रूम लिया है बहुत अंधेरा आ रहा है, जैसे कि आपको रोशनी नहीं मिल रहा होगा, उसके लिए सॉरी। ये मेरा पहला ब्लॉग है दोस्तों, और मेरा रूम ये रहा। मुझे ये 500 रुपया इंडियन पड़ा है, नीचे 300 रुपये में भी था बट वहाँ पर टॉयलेट जो है प्राइवेट नहीं था। टॉयलेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शावर वगैरह भी है और यहाँ पे आप टॉयलेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। अब मेरा प्लान है सुबह 11 बजे बुटवल जाने का या फिर पोखरा हो सकता है जब, उसके बाद मैं वहाँ पे प्लान करूँगा कि मुझे जाना कहाँ पे है। चेकआउट करने वाला हूँ अभी। दोस्तों पता नहीं मेरी वीडियो कैसी आ रही होगी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। कल तो मैं नेपाल में शाम को आ गया था और बहुत थक गया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया जाके सो गया। अब सुबह हो गई है, लगभग 12 बज रहा होगा और मैं जा रहा हूँ, एक सिम कार्ड लूँगा। पहले से मेरे पास सिम कार्ड था बट अब नया सिम कार्ड लेना होगा क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा है। अब सिम कार्ड लेने के लिए क्या क्या करना होगा वो सब कुछ मैं दिखाऊँगा वीडियो में लाइव आपको, तो वीडियो पर बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। और हाँ एक ज़रूरी बात आपको बताना था, अगर आप बाई बॉर्डर आ रहे हैं तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड बस रखिए, बाकी सारा काम आपका हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कोई शॉप हो सिम कार्ड का, हम वहाँ पे लेते हैं, वीडियो पर बने रहिएगा। तो भाई सिम कार्ड तो यहाँ पे मिल गया और फ़ोटो भी खींचवाना पड़ेगा हमको क्योंकि मेरे पास फ़ोटो है नहीं। तो यहाँ भैया के स्टूडियो में आ गए हैं और यहीं से हम अंदर आ जाए, टोपी निकाली जाए। हाँ बोलो, सीधा बैठो सीधा, बस चश्मा ऊपर। हो गया तो कोई भी अगर आता है आधार कार्ड पे एक फोटो पे सिम मिल जाएगा इंडियन को। ये बनिया बहुत सुरक्षित से रखे हुए हैं। और कुछ नहीं करना है, सिम कौन सा वाला चाहिए? नहीं सर, जो बढ़िया कौन सा है? जो बढ़िया चलता हो वो डाटा पैक वाला चाहिए ना, 2 GB जो 250 रुपये बोले आप, और उससे बेटर कौन सा है? महिला वाला है, डेली 1 GB डाटा का। कितना? डेली 1 GB डाटा का। वो कितने का है? वो 750 रुपये का। 750 रुपये नहीं, ज़रूरत नहीं है, 250 रुपये वाला सही। ये नंबर है, के निकालने है यो? यो फॉर्म लाई भर्न लाई सबैलाई चाहिए कि फोटो वाला चाहिए? यो फोटो के यो ले रहा है।
कितना? 300 रुपये का? 250 रुपये फोटो का? फोटो भी नहीं लिए? फोटो भी नहीं? तो फोटो भी तो देंगे? अच्छा कितना है? वो पिन दे दीजिए हमको, जाइए लगा के देखते हैं इसको। सिम कार्ड पहले से था मेरे पास, ये वाला निकाल देता है। दूध को निकाल देने वेरीफाई सेटिंग भी छा नंबर कहाँ अब देखिए इसमें क्या करना है, अभी स्विच ऑफ कर दे, स्विच ऑफ कर दे। या मैंने सिम कार्ड ले लिया है, अगर आपको भी लेना तो सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ नहीं। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ बुटवल, और बुटवल से देखेंगे पकड़ेंगे वहाँ के लिए पोखरा के लिए कोई बस, देखते हैं कोई बस है या नहीं है। बुटवल 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 बुटवल, मैं इधर बैठूंगा। बुटवल तो भाई लोग बुटवल के लिए बस मिल गई है, ये हमारे ड्राइवर साहब हमको लेके जाएंगे बुटवल, फिर वहां से हम जाएंगे पोखरा। दोस्तों मैं आ गया हूँ बुटवल में। यार एक चीज़ है, लेकिन नेपाल में नेपाली लोग को अगर पता चल जाता कि हम लोग बाहर के हैं तो हर चीज़ में डबल पैसा, हर चीज़ में डबल पैसा बताते रहते हैं। और यहाँ से अभी पता नहीं मुझे कहाँ जाना, मुझे खुद भी नहीं पता है। देखो कहाँ जा रहा हूँ, हो सकता है पोखरा जाऊँ या फिर काठमांडू, अभी तक डिसाइड नहीं किया है। वीडियो में बने रहना, आगे बताएंगे आपके साथ कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है।
पहले नंबर तो भूख लगी है यार बहुत जोर का। पता क्या हुआ, बस में 30 रुपया बोला तो, अब 30 रुपया देने लगा तो बोला नहीं नहीं इंडियन, मतलब इस तरह से लोग बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। फिर भी ठीक है यहाँ के लोग। अगर आप नेपाल आ रहे हैं तो भरावा से डायरेक्ट यहाँ बस बहुत सारी चलती रहती है, यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ से मुझे जाना है पोखरा, पर भूख क्या लगी है, सोच रहा हूँ क्या खाऊँ कहाँ खाऊँ, अभी डिसाइड नहीं किया है। देखते हैं आगे क्या करना है, घूम रहा हूँ वैसे। चलो कुछ खा लेते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी मैं फुटबॉल में हूँ और पैदल चलते चलते दिमाग खराब हो गया है, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि कहाँ जाऊँ, मतलब पोखरा जाऊँ या फिर काठमांडू जाऊँ। मुझे पहाड़ के उस ऊपर जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर जाना है। देखते हैं, अभी तो 2-4 घंटा यहाँ रहेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अभी कोई प्लान नहीं किया, प्लान तो मेरा था कि पोखरा जाने के लिए, बट चेंज करना पड़ेगा। सोच रहा हूँ काठमांडू चला जाऊँ, वापस आने के बाद पोखरा जाऊँ, बहुत थक गया हूँ यार। आपको कुछ नज़ारा दिखाता हूँ, और मैं अभी बुटवल के इस ब्रिज पे हूँ, आगे वापस जाऊँगा बस स्टॉप पे और वहाँ से देखूँगा कि मुझे कहाँ पे जाना है। फ़िलहाल ये व्यू आप देख सकते हैं, ऊपर जाना है, देखते हैं क्या होगा। जाना तो है, सोच के आया हूँ ऊपर जाऊंगा, देखता हूँ। हालत तो वैसे भी खराब है, पर देखेंगे। चलते जा रहा हूँ, 2 घंटे से कंटिन्यू चल रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे थे ठंडी में मत जाओ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, 20 किलो का वज़न ये है, 60 किलो का मैं हूँ और पैदल चल रहा हूँ, तो क्या मुझे ठंडी लगेगी, आप खुद डिसाइड करके बताइएगा। मेरा तो मन कर रहा है कि पूरी जैकेट वैकेट निकाल के फेंक दें, इतनी ज़्यादा गर्म हो रही है मेरे अंदर। मौसम भी अच्छा है आजकल का, धूप भी निकला हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं, फिलहाल देखते हैं। अभी मुझे ATM से पैसे भी निकालना है, सिम के लिए तो मैंने आपको बता दिया, आधार कार्ड लेके आइए, सिम वहाँ से ले सकते हैं, इंडियन आधार कार्ड एक्सेप्टेड है इधर। किसी बैंक ATM में जाते हैं और देखते हैं कैश निकलता है या नहीं निकलता है। दोस्तों इस ब्रिज पे जा रहा हूँ, बड़ा ही ख़तरनाक लग रहा है, आपको नज़ारा दिखाता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस ब्रिज पे, लोहे की पूरी तरीके से हिल रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है। और मैं 7 बजे का बस है मेरा, अभी टिकट नहीं लिया हूँ, और वहाँ से आऊँगा काठमांडू। अच्छी पोज आ रही है,
तो भैया अब हम चल रहे हैं बस स्टैंड, वहाँ पे देखेंगे कौन सी बस है, फिर डिसाइड करूँगा कि पोखरा जाना है या काठमांडू जाना है, क्योंकि दोनों ही रोड बहुत ही डेंजरस है, पता किया मैंने काफ़ी लोगों से। चलिए बहुत थक गया हूँ और बस स्टैंड पे मिलते हैं, अभी बुक कर लेंगे, अभी बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम जाएंगे तो इसी से। फिर दूसरा आदमी वो टिकट फिर वो सीट। दोस्तों तुम तो यहाँ पे मुझे बस मिल चुकी है काठमांडू के लिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का बस है। अगर आप चाहते हैं काठमांडू जाने के लिए, अगर बुटवल आ रहे हैं तो यहाँ से आप बुक कर सकते हैं, और 900 कुछ रुपए बताए इन्होंने, और 7 बजे का लगभग आपको यहाँ पे बस मिल जाएगा। 7 बजे से आप जाएंगे, और सुबह मॉर्निंग में कितने बजे छोड़ता है काठमांडू? 6 बजे मॉर्निंग में आप काठमांडू पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और जा रहा हूँ, कुछ देर आराम करूँगा, फिर आपको बताऊँगा। 7 बजे बस निकलेगी, तब एक बार वीडियो को शूट करूँगा, फिर जब पहुँचूँगा फिर ऑन करूँगा, अभी तो बहुत थक गया हूँ।